यही रेवाड़ी में मैंने पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन लागू करने की गारंटी दी थी। कांग्रेस वाले सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर वन रैंक वन पेंशन लागू करने का झूठ बोलते थे। रेवाड़ी की वीर धरा से लिया गया वो संकल्प मैंने आपके आशीर्वाद से पूरा किया। अभी तक ओआरओपी के तहत वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और इसके बड़े लाभार्थी हरियाणा के भी पूर्व सैनिक रहे हैं। सिर्फ रेवाड़ी के ही सैनिक परिवारों की बात करूं तो उन्हें ओआरओपी से 600 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। आप मुझे बताइए जितना पैसा रेवाड़ी के सैनिक परिवारों को मिल रहा है उससे भी कम कांग्रेस ने पूरे देश के पूर्व सैनिकों के लिए बजट में रखा था, सिर्फ 500 करोड़। ऐसे झूठ और धोखेबाजी के कारण ही कांग्रेस को देश ने नकार दिया है। साथियों, मैंने रेवाड़ी वासियों को, हरियाणा के परिजनों को यहां एम्स बनाने की भी गारंटी दी थी। आज यहां एम्स के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और हमारे राव इंद्रजीत तो इस काम के लिए लगातार, वो बोलते कम है लेकिन जो तय करे उसके पीछे लगे रहते हैं। आज एम्स का शिलान्यास हुआ है तो मेरी गारंटी की, और मैं आपको कहूंगा कि आज उसका शिलान्यास किया है और लोकार्पण भी हम ही करेंगे। और इससे आपको बेहतर इलाज भी मिलेगा, युवाओं को डॉक्टर बनने का अवसर भी मिलेगा।